सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? हाँ, वेरी गुड बेटा। तो प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स के बारे में, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने देखा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? मेटलिक ऑक्साइड बनता है। और मैंने ये बताया था कि जो मेटलिक ऑक्साइड होती है होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी, यहाँ पे हमने एक वो कॉपर की रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। कॉपर लिया था, वाटर लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, ऑक्सीजन ली थी, उसके बाद बना था कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना था और कॉपर का कार्बोनेट बना था, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई थी रिएक्शन विद एसिड, और हमने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के बताया था, कोई टेस्ट ट्यूब ले ले, उसमें हम मेटल डाल लें, उसके अंदर हम एसिड डालें, उसको फ्लो ट्यूब के द्वारा सोप सॉल्यूशन के अंदर हम फ्लो करवाते हैं तो बबल्स बनते हैं, और उन बबल्स के पास में जब हम बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो वो फटाक की आवाज आती है, इसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। और जो पॉप साउंड होती है वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है बेटा? वो तो बोलो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे थे रिएक्शन विद एसिड्स के अंदर, ठीक है। जैसे कॉपर के साथ करवाई थी मैंने, जिंक के साथ करवाई थी, और H2SO4 के साथ इनकी रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था रिएक्शन विद बेस। ये भी ध्यान रखना कि जो बेस भी होते हैं वो मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस ही निकालते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर के अंदर क्या होता है कि जो मेटल होते हैं जो पानी से तेजी से रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम है, जैसे सोडियम है। सोडियम मेटल को यदि हम पानी के अंदर डाल दें तो वो आग लगा देता है, ठीक है। तो जो सोडियम है और जो पोटेशियम होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं ये? बहुत ही रिएक्टिव, ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सोडियम होता है उसको किस में स्टोर रखते हैं? केरोसिन में स्टोर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये पानी के अंदर आग पकड़ लेता है, मतलब पानी से रिएक्शन कर लेने के बाद इसमें हीट निकलती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद वाटर। ये मेटल वाला चल रहा है, मेटल वाला पोर्शन ही, ठीक है। कौन सा पोर्शन चल रहा है? ये मेटल वाला। इसमें हमने तीन रिएक्शन देखी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर वाले डालना रिएक्शन विद, फोर्थ रिएक्शन विद वाटर। तो जो मेटल होते हैं वो पानी से तेजी से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, कुछ नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोना होता है, सोना होता है, गोल्ड, मतलब गोल्ड या चांदी होती है, उसको पानी में डाल दो उससे रिएक्शन ही नहीं करता, वो भी वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे कि कैसे एक मोर रिएक्टिव मेटल है वो जो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ये हम पढ़ेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर सीखेंगे कि कौन कौन से मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन कौन से मेटल है जो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि रिएक्शन विद वाटर। तो इसमें आप ध्यान रखना कि सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। कौन सा मेटल? सोडियम मेटल विग्रेसली का मतलब होता है तेजी से, स्पीडली, फास्टली, ठीक है। तो सोडियम मेटल विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर बिकॉज
because sodium is very reactive metal. ठीक है, जो सोडियम होता है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए पानी से तेजी से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मतलब ये ध्यान रखना कि जो सोडियम होता है, इसलिए सोडियम होता है, उसको किसमें स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना इसके नीचे ही, क्वेश्चन लिखना कि व्हाई सोडियम स्टोर्ड इन वाटर, व्हाई सोडियम मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं कि जो सोडियम मेटल होता है उसको केरोसिन में स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि सोडियम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो पानी के अंदर विघटित तेजी से रिएक्शन कर लेता है और उसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको केरोसिन में, जबकि केरोसिन में ये रिएक्शन नहीं कर पाता। तो इसका हम आंसर लिखते हैं, इसमें लिखना आप सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम is very reactive matter. ठीक है, सबसे reactive होता है, it react vigorously, it react vigorously with water and oxygen. A lot of heat release generated in the reaction. It is therefore, ठीक है, it is therefore stored in what? Stored in kerosene. ठीक है बच्चों, कि जो सोडियम होता है पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो उसमें रिएक्शन कर लेता है और उसमें हीट निकलती है, और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब आसपास की जो चीजें हैं वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विग्रेसली का मतलब होता है तेजी से, स्पीडली, विद वॉटर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है और ए लॉट ऑफ हीट क्या निकलती है, हीट निकलती है जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए केरोसिन के अंदर इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, अलका की थाला, पीयूष राठावाल, नीरज यादव, बेटा ये बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें, रखना कि जो मेटल होता है वो वाटर से तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, उसी के साथ में एक रिएक्शन और है, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मेटल नहीं होती वो, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे बोलते हैं ना, एक मुहावरा है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, कि मतलब जो पावरफुल आदमी होता है वो एक प्रकार से जो कमजोर आदमी होता है उसको रास्ते से हटा देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो मोर पावरफुल मेटल होता है वो लेस जो मेटल होता है उसको हटा देता है। कैसे हटाता है, अनुवाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इसमें पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive metal displaces the less reactive metal less reactive metal from their compounds in aqueous solution कैसा है बच्चों, लेस रिएक्टिव।
अब ये जिंक क्या करता है, इसका कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन बोल रहा है ना, फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वा सॉल्यूशन, ये कंपाउंड्स है कॉपर सल्फेट का और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है। अब ये जिंक क्या करता है, जिंक पावरफुल है, ये इसको इसके साथ देखता है तो मतलब एक प्रकार से उसका मन प्रसन्न नहीं होता है, दुखी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि तेरी फ्रेंडशिप इससे है और मैं भी इससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पावरफुल है, ये कैसा है, पावरफुल है। तो ये क्या करता है, ये इसको यहां से हटा देता है, जिंक है जो कोपर को यहां से हटा देता है, ठीक है। देखो यहां पे पहले कोपर के साथ में सल्फेट था, अब ये सल्फेट किसके साथ बन जाएगा, जिंक के साथ, क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट, और ये कोपर क्या निकल गया, बाहर निकल गया, कोपर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। क्या हुआ इसका मतलब कि जो कोपर है वो लेस रिएक्टिव है और जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, और जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस का मतलब खुद उसकी जगह सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब उसको वहां से हटा देना और उसकी जगह खुद सेट हो जाना, ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कोई एक्वा सॉल्यूशन है, इसके लिए इस नाम जब जिंक से करवाते हैं, तो यहाँ पे जो जिंक क्या करता है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है, तो कॉपर को बाहर निकाल देता है और इसके साथ में कौन जुड़ जाता है, जिंक जुड़ जाता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चले कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तुम्हें कैसे पता चले कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद आप, मैं टेबल बनाता हूँ कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तुम आसानी से सीख जाओगे, ठीक है बच्चों। हाँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो टेबल आप बनाओ उसको साइड में बनाना, ठीक है, इसके नीचे मत बनाना, कहीं साइड में बना लेना, उसके द्वारा उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो एक टेबल दे रखी है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, इसमें देखो सबसे ऊपर वो ही होगा जो मोर रिएक्टिव होगा, जैसे सबसे ऊपर क्या आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है जिंक आता है, आयरन आता है, लेड आता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद HG आता है, मरकरी बोलते हैं इसको, उसके बाद Ag आता है, उसके बाद AU आता है। सभी को दिख रहा है नीचे तक दिख रहा है सभी को, AU दिख रहा है आपको सभी को। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसका नाम, इसको बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम बोलते हैं। ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये जिंक है, ये आयरन है, ये लेड है, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये मरकरी है, ये सिल्वर है, चांदी बोलते हैं इसको, और ये गोल्ड है जिसको सोना बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इतना सभी के समझ आया। अब देखो हम यहां पे से निशान लगा देते हैं कि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो कैसे हैं, मोर रिएक्टिव, यहां पर लिख देता हूं मैं
मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल, और इसको बोलता हूं मैं लेस रिएक्टिव मेटल। नीचे वाले ये जो हाइड्रोजन है इसके नीचे वाले, जैसे कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, सोना है, लेस रिएक्टिव। अब ऊपर मोर रिएक्टिव है, नीचे लेस रिएक्टिव, मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग, DECRESING, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना, अरे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना, कि ऊपर वाले तो मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है, तो ऊपर से हम नीचे आएंगे, ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कब हो रही है? तो यहां पर मैंने लिखा कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब देखो यहां पे जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो कैसे है? मोर रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से जो नीचे है वो कैसे है? लेस रिएक्टिव। तो ये लाइन हमने लिख लेना, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव, फोर मेटल्स बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव। अब बच्चों भी मैंने एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था? ये एग्जांपल लिया था कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, और उससे क्या बना था? नीचे बना देता हूं, उससे क्या बना था? जिंक का सल्फेट और प्लस में कॉपर। अब देखो इसमें बेटा सभी देखो सामने, सभी स्क्रीन पे देखें, एक तो जिंक है और एक कॉपर, ठीक है। देखो ये जिंक है और ये कॉपर है, तो जिंक मतलब जो ऊपर आता है, जो ऊपर वाले कैसे होते हैं? मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। पता चल गया सभी को? सभी को पता चल गया क्या कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। मैं यदि बात करूं आयरन और जिंक की, बात करूं मैं आयरन और जिंक की बात करूं, तो इसमें मोर रिएक्टिव कौन सा है? जो ऊपर है, तो आयरन और जिंक के ऊपर कौन है? जिंक। तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? जिंक को हटा देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे जो जिंक है वो आयरन को हटा देगा, ठीक है बच्चों। जैसे कैसे? ऐसे मान लो, ऐसे मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल ले लो, FeSO4 प्लस ZN। तो अब क्या करेगा? देखो ये तो आयरन है इसके अंदर और एक जिंक है, अब मोर रिएक्टिव कौन सा है? ये या ये? तो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक क्या करेगा? इसको हटा देगा, तो खुद की इसकी जगह खुद सेट हो जाएगा, ZnSO4 प्लस में Fe को बाहर निकालता है, ठीक है। अच्छा अब यदि ऐसा होता जिंक सल्फेट प्लस Fe, तो क्या अब रिएक्शन होगी? क्या क्या लेस रिएक्टिव की औकात है जो मोर रिएक्टिव को हटा दे? बताओ क्या यहाँ पे आयरन है वो जिंक को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता, क्योंकि जिंक तो मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ये बात सभी समझ आ रही है क्या? यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को कभी भी नहीं हटा सकता, ठीक है। मैं यदि आपसे पूछूं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में मोर रिएक्टिव कौन सा है, तो जो ऊपर है कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है यहाँ पे? मोर रिएक्टिव। मैं पूछूं आपसे कि कॉपर और आयरन में मोर रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पे ऊपर कौन है? आयरन। मैं पूछूं Ag और Cu में मोर रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पे Cu, मतलब जो जिससे ऊपर है वो क्या है? मोर रिएक्टिव, ठीक है बच्चों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ यदि तुम इस टेबल को अभी से सीख जाओगे तो 10th क्लास में तुम्हारी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 10th क्लास में भी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। तो अभी से यदि इस टेबल को आप समझ लेते हो,
कि मोर रिएक्टिव कौन है लेस रिएक्टिव कौन है, तो वो तुम्हारे सब क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यदि आप इसको अभी से इसको समझ लेते हो कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, मैं बोलूं कॉपर और जिंक में मोर रिएक्टिव कौन है, तो जो ऊपर है तो ऊपर कौन सा है जिंक, ठीक है। तो जिंक क्या है मोर रिएक्टिव, ठीक है बच्चों। अब मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, ठीक है। हाँ तुम्हारे इसमें एक टेबल दे रखी है, एक्टिविटी दे रखी है 4.8, एक्टिविटी निकालो 4.8, सभी निकालो एक्टिविटी 4.8, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल्स मैं लिखता हूं यहां पे। जैसे पहले जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने लिया कॉपर सल्फेट और जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लिया क्या लिया था, कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट और प्लस आयरन। तीसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लिया बेटा, एक तो लिया हमने जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, डी है डी, डी वाले टेस्ट में हमने लिया FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट वाले में लिया ये C है ये D है और ये E है, E वाले में हमने लिया जिंक सल्फेट प्लस में Fe, ठीक है। जैसे हमने कुछ पांच टेस्ट ले लिए, एक दो तीन चार और एक यहाँ पर लगा पांच, इसका नाम ए है, इसे बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये ई है। ए में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट और जिंक लिया, मतलब कॉपर यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक डाला। और बी में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन डाला, इसमें डाल दिया हमने, ठीक है। और सी में क्या लिया बेटा हमने, जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर लिया। डी में हमने क्या लिया बच्चों, FeSO4 प्लस में सी। और लास्ट वाले में लिया हमने जिंक सल्फेट प्लस में आयरन, ठीक है। कितनी टेस्ट हो गई बच्चों, हमने पांच टेस्ट हो गए। अब जब हम इसमें ये मिलाते हैं, सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन मिलाने के बाद हम देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है और बी है उसके अंदर कलर में चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है, जबकि सी डी और ई के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे देखो कॉपर है इसके अंदर, मैं यहां पे इनको मार्क कर देता हूं, ऐसे कॉपर है और जिंक है, इसमें कॉपर है इसमें आयरन है, इसमें जिंक है इसमें कॉपर है, इसमें आयरन है इसमें कॉपर है, इसमें जिंक है इसमें आयरन है, मतलब मैं मेटल्स पे टिक लगाया हूं, ठीक है। अब हमें यदि वो टेबल याद है तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं, हमें बस ध्यान ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, कभी भी जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे देखो कॉपर सल्फेट की जब जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, कि कॉपर क्या है यहां पे मोर लेस रिएक्टिव है, जिंक क्या है यहां पे मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। और यहां पे बनता है क्या बनता है, यहां पे जिंक का सल्फेट बनता है, जिंक का सल्फेट बनता है और प्लस में कॉपर। दूसरे वाले रिएक्शन देखो, कॉपर और आयरन, कॉपर तो नीचे था और आयरन ऊपर था, तो कॉपर से आयरन क्या है मोर रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को क्या करता है डिस्प्लेस करता है। तो यहां पे बनता है FeSO4 प्लस में
सीयू को बाहर निकाल दिया, ठीक है, सीयू क्या कर दिया बेटा, बाहर निकाल। तीसरी वाला रिएक्शन देखो, जिंक सल जिंक है और कॉपर है, तो ये मोर रिएक्टिव है, नहीं है, ये लेस रिएक्टिव है। क्या लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। उसके बाद देखो आयरन और कॉपर, वही बात है, कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या है मोर रिएक्टिव है, तो यहां पे भी नो रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब तीसरा देखो जिंक और आयरन, जिंक और आयरन में, जिंक और आयरन में आयरन क्या है लेस रिएक्टिव है, जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, तो यहां पे भी नो रिएक्शन, क्या होगा यहां पे भी नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं होगी, यहां पे भी रिएक्शन नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं और यहां पे, जब रिएक्शन ही नहीं होती तो इसमें क्या सी और डी और ई का कलर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सी टेस्ट ट्यूब में, डी टेस्ट ट्यूब में और ई टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, यदि केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे सी डी और ई जो टेस्ट ट्यूब है वहां पे किसी प्रकार का कलर चेंज नहीं होगा। अब ध्यान रखना है रिएक्शन होती है ए में और बी में, ये जो दो टेस्ट ट्यूब है ए और बी, इन्हीं के अंदर कलर चेंज होता है, ठीक है बच्चों। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि मोर रिएक्टिव कौन है। यदि मैं आपको बोलूं कि कॉपर और जिंक में मोर रिएक्टिव कौन है, तो जिंक है, तो मतलब इन रिएक्शन ए एंड बी, आयरन और जिंक, आयरन एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर, देन आयरन एंड जिंक डिस्प्लेस द कॉपर इन कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें से ये क्या करते हैं, इनको डिस्प्लेस कर देते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद इनको बाहर निकाल देते हैं और इनकी जगह खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सभी क्या है, इसके एग्जांपल हैं, ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो ये सभी, ये जो मैंने बताया ये सभी आपको करना है, ठीक है, इनको याद करना है। उसके बाद हम कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो रिएक्शन हमने यहाँ पे मेटल के साथ करवाए, जैसे मेटल के साथ हमने कितने रिएक्शन करवाए, चार से पांच, चार रिएक्शन करवाए। पहली रिएक्शन हमने करवाई थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरी रिएक्शन किससे करवाई, रिएक्शन विद एसिड, तीसरी रिएक्शन कौन सी करवाई, रिएक्शन विद बेस, और लास्ट वाले रिएक्शन हमने करवाई रिएक्शन विद वाटर। ठीक उसी प्रकार नॉन मेटल के रिएक्शन पहले हम किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से करवाएंगे, एयर से करवाएंगे, फिर एसिड से करवाएंगे, फिर बेस से करवाएंगे, फिर वाटर से करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उनका एप्लीकेशंस बचेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स और एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके बेटा।